नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। कोरबा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के स्टॉल सहित महिला समूह द्वारा निर्माण किए गए सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई गई। जिले के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद ज्योत्सना महंत, अध्यक्षता कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने जिले के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 102 महिलाओं को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र देख स्मृति चिन्ह व उपहार भेंट कर उनके कार्यों के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। वही पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर रेणु जायसवाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया। महिलाओं को अपने उद्बोधन में ज्योत्सना महंत ने आगे बढ़ने और समाज में अपना नाम रोशन करने हेतु प्रेरित किया। तो वही कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर अपना उद्बोधन दिया और कहा कि आलोचना से महिलाएं ना घबराएं और अपने लक्ष्य को पाने में निरंतर प्रयास करती रहे और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। वही इस कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने भी जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए प्रशासन को धन्यवाद दिया। सभी आयोजन महिलाओं की प्रेरणा बढ़ाने के लिए, महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, लेकिन महिलाएं तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक अपनी प्रेरणा वो स्वयं ना बने। आपको आगे बढ़ाने के लिए पहला कदम आपको अपना खुद ही आगे करना होगा। कोई अगर आप ये कल्पना करती कि हर चीज आपको सजा के दी जाए और फिर आप आगे बढ़े तो संभव नहीं। यहाँ जितनी भी सफल महिलाएं हैं जो हर क्षेत्र में सफल हैं, उन सब की अपनी एक संघर्ष की कहानी या आगे बढ़ने की प्रेरणा की कहानी, और सब में ये चीज कॉमन है कि बिना प्रयास के कोई जीत हासिल नहीं होती, बिना मेहनत किए कोई चीज मिलती नहीं। कोई भी अगर उपलब्धि हमें हासिल करनी है तो उसके लिए प्रयास करना होता है, उसके लिए मेहनत करनी होती। तो इस अवसर पर मैं बहुत अधिक नहीं बोलते हुए अपनी सभी महिला बहनों को यही कहूंगी कि आप अपने आप को मजबूत समझें। अपनी प्रेरणा, अपनी इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कुछ कर सकती हैं, कुछ अच्छा कर सकती हैं, और फिर उसके बाद देखिएगा कि अपने आप हर चीज़ होने लग जाएगी। दूसरी बात ये कि आलोचनाओं से कभी आपको घबराना नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है तो अगर दो व्यक्ति अच्छा कहते हैं तो एक उसे उसकी आलोचना करते हैं। तो आलोचनाओं से कभी आपको घबराना नहीं है, आलोचनाओं से कभी आपको पीछे नहीं हटना। लेकिन आज समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी सुधर चुकी है। पहले जरूर बुरी थी, पर आज महिलाएं खुद में इतनी सशक्त हैं और जैसे हम लोग आगे बढ़े। आपके प्रदेश में देखिए, राज्यपाल महिला है, कलेक्टर आपके जिले में महिला है, सांसद आपकी महिला है, कुछ दिन पहले तक महापौर भी महिला थी, लेकिन अभी नहीं है। तो जहाँ पर महिलाएं इतने आगे बढ़ गई हैं हर क्षेत्र में, जब भी आप देखिए प्लेन महिलाएं उड़ाती हैं, अंतरिक्ष में महिलाएं जाती हैं, किसी भी चीज़ में महिलाएं कमज़ोर तो है ही नहीं। जब महिला ठान लेती है तो वो कुछ भी कर सकती है, एक परिवार को भी चला सकती है तो इस देश को भी चला सकती है। दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं। एक गांव की सच्ची एक महिला, अनपढ़ महिला भी अपने परिवार को अच्छे से चलाती है, और देश की महिला, देश को चलाने वाली इंदिरा गांधी को हम कभी नहीं भूल सकते। इसी क्षेत्र से आप लोगों की छत्तीसगढ़ की पहली सांसद हुआ करती थी हमारी मिनी माता जी, जो 5 बार यहाँ चुनी गई। उसके बाद मैंने उनका अनुकरण किया और उनसे सीख लेके, उनके विचारों को लेके मैं भी आज आपके यहाँ आगे बढ़ रही हूँ। उन्होंने भी अछूतों को और पिछड़े वर्ग को लेकर उन्हें बहुत सुधार किया, और आज पिछले दिनों से आज के दिनों में देखें तो महिला हर क्षेत्र में आगे है। कहीं ना कहीं एक हमारी सामाजिक बुराई है कि महिलाओं को हम उतना क्षेत्र,
उतना व्यापक क्षेत्र नहीं दे पाते हैं कि वो अपने आप को सिद्ध कर सकें। अभी हमारी बहन ने कहा, लेकिन आज मैं ये जरूर मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक बुराई रह गई है। हमको, हम महिलाओं के ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदारी है कि बचपन से ही हम अपने बच्चों में, पुत्र और पुत्री, लड़का और लड़की में कभी भेद ना रखें। लड़के को भी उसी सम्मान के साथ पालें और लड़की को भी उसी सम्मान के साथ पालें। जब हम बचपन में ये बीज उनके हृदय में बो देंगे तो निश्चित रूप से वो आगे चल करके एक अच्छा समाज निर्मित कर सकते हैं। ये कह देना कि महिला सम्मान चाहती है, नहीं,